देवा शनि बना दो, जय शनि देवा मेरा भाग जगा दो, जय शनि देवा रामचारी जय संसारी महिमा भारी भगनाचारी शर्म ना आए इतनी वीडियो देखकर तो वे इससे भी निकृष्ट है और नीच गालियों के अधिकारी हैं। वे जिन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या को लूट लूट कर खाया है, अपने ही घर वालों को लूट लूट कर खाया है और आत्मदाह तक करने पर मजबूर किया है, उनके अंगों को काटा है और उनको समय आने से पहले जलवाया है, दबवाया है, फिकवाया है। ऐसी चिकित्सा जिसने सदैव भारतवर्ष के जितने भी पंच तत्व वाले शरीर हैं उनका नुकसान ही किया है, क्योंकि अगर आज आपको और उन चिकित्सकों को देखकर लगता है कि आज हम बिल्कुल ठीक हुए, स्वस्थ हुए, तो और आज कोई व्यक्ति ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ, लेकिन कल उस पर आपकी दवाइयों का जो विपरीत असर है वो इतना भारी मात्रा में होने वाला है कि उससे नव नव रोगों की सृष्टि हो जाती है। आज से 50 वर्ष पहले ना किसी को शुगर था, ना किसी को बीपी था और मरने की जो वो थी वो बहुत ही कम थी, तादाद थी, लेकिन अब इतनी चिकित्सा जगत के होते हुए भी मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है। पता तुम्हें इसलिए नहीं चलता है क्योंकि सबके दो दो चार चार होते थे तब तक, और उससे जनसंख्या एक ऐसे लेवल पे आकर पहुंच गई कि मरते हुए का भी पता नहीं चलता है। लेकिन पहले से जब हमारे यहाँ लाखों लाखों लोग मर जाया करते थे कुछ कुछ रोगों से, और उन रोगों की दवाइयों का फायदा उठाकर इन डॉक्टरों ने इस एलोपैथी चिकित्सा को इतना बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ावा दे दिया कि आज उस चिकित्सा से इस जगत को लाभ की बजाय हानि बहुत ज़्यादा होती है। अब उस हानि से हमें इस जगत को बचाना है। वो जो पैसे उनके द्वारा लिए जाते हैं और वो भी इतनी मात्रा में कि आदमी अपने आप को असह्य व कमज़ोर महसूस करता है, और कभी उसको प्लाट बेचना पड़ता है, कभी कोई दुकान बेचनी पड़ती है, किसी को किडनी लगवानी है, किसी को डायलिसिस करानी है, किसी को कुछ कराना है, किसी को कुछ कराना है। ये हम जान नहीं पा रहे हैं, ये चिकित्सा जगत बहुत ही मैला कुचैला हो चुका है। यहाँ केवल लोभ के लिए व्यापार किया जाता है चिकित्सा का, और इसको हमने धूमिल करना है। ऐसे चिकित्सकों की, मंत्र चिकित्सकों की बहुत भारत को जरूरत है, तो इसलिए तैयार हो, 10-10 साल तक लगातार जप करें, एक दिन आपका प्रारूप ही ऐसा होगा कि आप मनु भैया की तरह बैठकर काम कर पाओगे। जय शनि।